हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल नए तरीके की मिठाई। और इस मिठाई को बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी मावे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बिना मावे के बिल्कुल मावे जैसे स्वाद की मिठाई झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया आधा कप सूजी। और इस मिठाई को हम यहाँ पर सूजी से बनाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेना है आपको, और यहाँ पर डालना है ये सूजी। और बस सूजी को अच्छे से बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि सूजी थोड़ी सी एकदम बारीक हो जाए, यानी कि थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सूजी को अच्छे से पीस लिया है। देखिए इस तरीके से हल्का सा पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे। इसमें आधा कप यहाँ पर चीनी लेंगे और आधा कप यहाँ पर नारियल का बुरादा ले लेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें लीजिए सब आधा आधा कप आपको यहाँ पर लेना है। और बस यहाँ पर नारियल का बुरादा डालने के बाद अच्छे से इनको पीस लेना है। और ये लीजिए, यहाँ पर हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पर जो चीनी और नारियल का बुरादा दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे यहाँ पे कढ़ाई रखनी, एक चम्मच घी डालना है। और जब घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें ये सूजी डाल दीजिएगा। और बस गैस का जो फ्लेम है आप उसे लो रखिएगा। लो फ्लेम पे आपको यहाँ पर सूजी को भूनना है, क्योंकि इसका जो कलर है वो हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और धीमे धीमे आज पे सूजी को भूनेंगे तो सूजी बढ़िया से भून भी जाएगी, सूजी का कच्चापन भी चला जाएगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी। और देख सकते हैं यहाँ पर सूजी का बस थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पर हमारी सूजी भून गई है। मैंने इसे 5 से 6 मिनट भूना था। अब हम इसमें ये चीनी और नारियल का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है और बस अच्छे से इनको कुछ सेकंड चलाते हुए इसे मिक्स करना है। इन्हें हल्का सा भूनना भी है, तो इस तरीके से बढ़िया सा मिक्स करके इनको भून लेंगे। और देखिए अच्छे से अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर दूध। तो आधा कप सूजी के लिए यहाँ पर आपको 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है। बस दूध डालने के बाद यहाँ पर गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है और बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स कीजिए। और इसे अच्छे से आपको पकाना है जब तक आपकी जो सूजी है वो बिल्कुल डो फॉर्म में ना आ जाए। तो इसे इस तरीके से पकाते जाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा जो सूजी है वो हल्की सी थीक होने लगी है और जो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल मावे जैसा ही आ जाएगा और टेस्ट भी बिल्कुल मावे जैसा ही आने वाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और बस अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो बस अब मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा या मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच के लिए, ताकि इसमें मावे जैसा टेस्ट आ जाए। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। तो मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा फ्रेंड, आपकी जो ये सूजी की मिठाई है इसमें आपको ये मिठाई में सूजी का टेस्ट नहीं आएगा, आपको बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैंने बस 2 ही चम्मच का इस्तेमाल किया था। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेट हो चुका है। अभी देखिए थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया, देख सकते हैं जो सूजी है वो भी बढ़िया फूल चुकी है और इसका जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे मैंने हल्का सा ठंडा किया है। और पूरी तरीके से आपको इसे ठंडा नहीं करना, हल्का सा गुनगुना रहे तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसका जो डो है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। ये देखिए इस तरीके से डो तैयार है। अब चलिए इसका मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेना है आपको। अगर ये बनाते समय हाथों में चिपक रहा है आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। ये देखिए, तो बस आप क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पोर्शन लेना। आप अपने शेप में आप इसे मिठाई का शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे सिलेंडर शेप में बनाया है, आप यहाँ पर गोल पेड़े जैसे भी बना सकते हैं। देखिए अब इसे बनाने के बाद इस पर नारियल की कोटिंग अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए, तो डेसिकेटेड कोकोनट इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे ताकि जो मिठाई वो देखने में बिल्कुल बढ़िया लगे। तो देखिए एक पीसेस मेरा बन के तैयार हो चुका, आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके से और भी पर इसकी बना के मिठाई तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आप इसके ऐसे गोल लड्डू भी बना सकते हैं, फिर पेड़े जैसा शेप दीजिए या फिर ऐसे सिलेंडर जैसा, जो आपको पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बस ऐसे बनाने के बाद नारियल की अच्छे से कोटिंग कर लीजिएगा, ये देखिए, ताकि मिठाई देखने में बढ़िया लगे। तो ऐसे यहाँ पर हम सारी मिठाइयाँ बिल्कुल इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेते हैं।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिठाई का जो लुक है वो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर मिठाई बना के तैयार कर ली है। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट में बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर पिस्ता भी ले सकते हैं गार्निशिंग करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी की मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैं आपको एक मिठाई का लुक भी दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया मिठाई का लुक लग रहा है और खाने में बहुत टेस्ट है। और आपने देखा फ्रेंड कि इस मिठाई को बनाना कितना आसान है, यानी कि जब आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप झटपट से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक और नई रेसिपी के साथ।